ये आपका मॉडल है, इस मॉडल को एडिट करने वाले हैं। चलिए इसको फोटो रूम में सेंड करते हैं। यहाँ से अपने मॉडल को बैकग्राउंड जो है इरेज कर लेना है। इस ऐप से आसान से आपको बैकग्राउंड जो है इरेज हो जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, ओनली फॉर इसमें फोटो अपलोड करने पड़ जो ये बैकग्राउंड है वो अपने खुद ही इरेज कर लेता है। आप देख सकते हैं स्कैन हो रही है, उसके बाद आपको मॉडल जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपका मॉडल जो है का बैकग्राउंड जो है, मॉडल का बैकग्राउंड जो है इरेज हो गई है। यहाँ से आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेंज बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। जो भी यहाँ से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बैकग्राउंड पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ, वो इस फोटो में लगाने वाले हैं। चलिए मैं बैकग्राउंड को ले आता हूँ। आपको माई फोटो पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड को ले आना है आपको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट हो गई है। अपने मॉडल को छोटा करके बैकग्राउंड के अनुसार सेट कर लेनी है आपको, कुछ इस तरह से सेट कर लेनी है। यहाँ से आपको सेट हो गई है। यहाँ से आपको शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। शैडो वाले ऑप्शन जो है इसको ऑन करके यहाँ से अमाउंट कम बेसी कर सकते हैं आप। मैं 50 रख लेता हूँ। फिर यहाँ से आपको सेव कर लेनी इस फोटो को। इसका काम हो गई है। अब चलते हैं पिक्सआर्ट के अंदर। मैं आ गया हूँ पिक्सआर्ट के अंदर। इसमें एक पीएनजी ऐड करने वाले हैं। चलिए मैं पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। आपको ऐड प्रो पे क्लिक करना है, पीएनजी को ऐड कर ले। आपको पीएनजी ऐड हो गई है। यहाँ से अच्छी तरह से ऊपर की ओर आपको सेट कर लेनी है कुछ इस तरह से। फिर यहाँ से आपको डन कर लेनी है। फिर आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक करनी है। इसका कंट्रास्ट हल्का बढ़ा लेनी है आपको, हल्का कंट्रास्ट बढ़ा लेनी है। क्लैरिटी को हल्का भी बढ़ा लेनी है आपको कुछ इस तरह से। और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर आपको डन कर लेनी है। फिर चलते हैं आप लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। उसमें एक प्रीसेट मिलेगा, उस प्रीसेट को आपको कॉपी पेस्ट कर लेनी है। मैं आ गया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। आपको ऑल फोटो पे क्लिक करना है। ये आपका फोटो है, इस फोटो में आपको अप्लाई करनी है प्रीसेट को। ये आपका प्रीसेट है, इस प्रीसेट को आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी सेटिंग करके कॉपी कर लेनी है आपको, फिर डन कर लेनी है। इस वाले फोटो पे आपको अप्लाई कर लेनी है, इस वाले फोटो पे आपको पेस्ट कर लेनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी गजब क्रिएटिंग हो गया है और काफ़ी ऑसम सी लग रही है फोटो। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये दोनों को ऑन कर लेनी है आपको कुछ इस तरह से ऑन कर लेनी है। फिर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ऑसम सी बन गई फोटो, काफ़ी अमेजिंग लग रही है। अब बिफोर आफ्टर देख सकते हैं।